नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार और नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ा। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में सूर्या की कैच पर खेसारी लाल का रिएक्शन। शेखपुरा जिले में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट कर बदमाश फरार। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निकाला नया फरमान। विराट, रोहित और जडेजा के संन्यास के बाद टीम में कौन भरेगा इनकी जगह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर, 98 CDPO का भी हुआ स्थानांतरण। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों का तबादला किया गया है। रविवार को अधिसूचना जारी कर राज्य के 97 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले की जानकारी दी गई है, जिनमें 14 जिलों के सिविल सर्जन को भी बदला गया है। अधिकारियों को नए पोस्टिंग वाले स्थान पर जल्द योगदान करने को कहा गया। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास सेवा में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों के 98 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO का भी ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में CDPO को कई परियोजनाओं का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में सूर्या की कैच पर खेसारी लाल का रिएक्शन। शनिवार को हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में शानदार और सांस को थमा देने वाले मैच में हुई भारत की जीत के बाद पूरा देश अब तक जश्न में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर अब तक जश्न की तस्वीरें और वीडियो क्लिप शेयर किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक के रिएक्शन आने अभी तक बंद नहीं हुए हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर सूर्य कुमार यादव द्वारा मैच के आखिरी वक्त में लिए गए शानदार कैच एक्स समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। लोगों का कहना है कि सूर्या का ये कैच ही है जिसने भारत को कप दिलाया है। वहीं अब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भारत की जीत पर बधाई देते हुए सूर्या के कैच पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए खेसारी लाल यादव ने टीम को जीत की बधाई दी और साथ में सूर्या की कैच पर कहा, आई कैच ना ट्रॉफी हा, हाथ में यादव जी। शेखपुरा जिले में एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट कर बदमाश फरार। बिहार के शेखपुरा जिले के एक्सिस बैंक से 28 लाख से अधिक की लूट का मामला सामने आया है। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा के श्री कृष्ण चौक के पास स्थित एक्सिस बैंक से 28 लाख की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि हथियार के दम पर आधा दर्जन अपराधियों ने सभी कर्मियों को बैंक के लॉकर रूम में बंधक बनाकर 28 लाख की लूट कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बदमाश ग्राहक बनकर आए थे। बैंक के CCTV कैमरे में बदमाशों का कारनामा रिकॉर्ड हो गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। बिहार और नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियों का जल स्तर बढ़ा। मॉनसून के प्रवेश के साथ ही पूरे बिहार में मॉनसून सक्रिय है। रविवार को बिहार के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिली है। वहीं सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के ज्यादातर शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। नेपाल और बिहार में हो रही बारिश के कारण राज्य की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है। कोसी और सीमांचल के जिलों में कोसी नदी के जलस्तर में रविवार को बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं कटिहार में महानंदा और गंगा का भी जलस्तर बढ़ा है। वहीं इसके साथ ही खगड़िया में बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। बेतिया से 2 साइबर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। पश्चिम चंपारण के बेतिया पुलिस को साइबर अपराधियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र से सातिर साइबर फ्रॉड मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 11 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, 4 अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड, 11 विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड और इसके साथ ही 7,10,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बेतिया सदर DSP विवेक कुमार के अनुसार पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि मझौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया निवासी मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज आलम साइबर ठगी का काम करते हैं और इनके पास काफी संख्या में फर्जी ATM कार्ड, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड के साथ ठगी का पैसा जमा है, जिसके बाद छापेमारी कर दोनों को हिरासत में लिया गया। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए निकाला नया फरमान। शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत बिहार के शिक्षकों को एक साल में 6 दिन प्रशिक्षण लेने अनिवार्य किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से यह फैसला शिक्षकों के कौशल को बढ़ाने को लेकर किया गया।
जानकारी के अनुसार यह प्रशिक्षण हर एक वर्ष 1 से 6 जुलाई तक दिया जाएगा और पहले चरण में शिक्षकों का यह 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 1 से 5वीं कक्षा के 18,660 शिक्षकों को दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य के शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया जा चुका है। निर्देश के मुताबिक रविवार को ही प्रशिक्षण के लिए संबंधित शिक्षक को संबंधित महाविद्यालय में योगदान करना था, जिसके बाद आज 1 जुलाई से शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। आज से देश में प्रभावी हुए 3 नए आपराधिक कानून। आज यानी 1 जुलाई से बिहार सहित पूरे देश में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रभावी हो गए हैं। नए आपराधिक कानून के प्रभावी किए जाने से पहले इसके बारे में प्रदेश के सभी पुलिस थानों में प्रशिक्षण दिया गया है, जो कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं अब आज 1 जुलाई को राज्य के सभी थानों पर आम जनता को नए कानून की जानकारी देने को लेकर पाठशाला लगाने की बात सामने आई है, जिसमें थानाध्यक्ष द्वारा स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर उनके 3 नए कानून की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी दिया गया। पहले फेज का काम जल्द होगा पूरा, बिहार सरकार के मंत्री ने बताया पटना में कब मेट्रो होगा शुरू। सोमवार को बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री, विधि मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मामलों पर सरकार का पक्ष रखा है। वहीं इस दौरान नितिन नवीन ने यह भी बताया है कि कब तक पटना में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 2026 में पटना मेट्रो शुरू हो जाए, ये लक्ष्य रख कर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहले और दूसरे फेज के मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने के साथ ही मेट्रो विस्तार पर विभाग की राज्य सरकार से सहमति बन चुकी है। NH विभाग 12 लाख खर्च कर कराएगा IB की मरम्मत। NH विभाग का भागलपुर डिवीजन भागलपुर श्रावणी मेला की तैयारी में जुट गया है। NH विभाग सुल्तानगंज के अपने निरीक्षण भवन का मेंटेनेंस कराएगा, जिस पर 12,16,000 रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके लिए निविदा 6 जुलाई को खोली जाएगी और कार्य एजेंसी को चयनित किया जाएगा। इसके मेंटेनेंस कार्य पूरा करने का डेडलाइन 15 मार्च 2025 तय किया गया है। वहीं इसके साथ ही सुल्तानगंज में कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की सुविधाओं व प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य भी जिला शासन एजेंसी के माध्यम से कराएगी, जिसके लिए निविदा जारी की गई है, जो 5 जुलाई को खोली जाएगी। वहीं अगर किसी कारणवश निविदा 5 जुलाई को नहीं खोली जा सकी तो इसे 8 व 10 जुलाई को खोलकर आपूर्तिकर्ता का चयन किया जाएगा। 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू, इस दिन तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2026 के मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले 9वीं कक्षा के विद्यार्थी 14 जुलाई तक पंजीयन करा सकते हैं। निर्धारित शुल्क पंजीयन से पहले 11 जुलाई तक विद्यालयों को जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क 11 जुलाई तक जमा होगा उन्हीं का ऑनलाइन पंजीयन 14 जुलाई तक हो सकेगा। वहीं परीक्षा समिति द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन फॉर्म में अंकित विवरणी के अनुसार फॉर्म भरने में सतर्कता बरतने को कहा गया है, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े। नीट कांड के मास्टरमाइंड से जुड़ा हुआ एक और खुलासा, शिक्षक भर्ती पेपर भी कराया था लीक। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने BPSC से तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच में खुलासा हुआ है कि BPSC परीक्षा का प्रश्न पत्र भी संजीव मुखिया और उसका बेटा शिव गिरोह ने लीक कराया था। आर्थिक अपराध इकाई को अभ्यर्थियों के बीच वितरित करने अलग अलग स्थानों के सेटरों के पूरे गैंग का भी पता चल गया है। अब आगे की जांच में EOU ने ये पता लगाने की कोशिश में लगी है कि संजीव मुखिया की इतनी बड़ी सेटिंग के गोरख धंधे को अंजाम देने में किन किन स्तरों के लोगों ने मदद की थी। 5 किलो सोना पहनकर और सोने की बुलेट से घूमते हैं बिहार के गोल्ड मैन। शरीर पर 5 करोड़ का सोना और सोने की बुलेट से घूमने वाले प्रेम सिंह आजकल खूब चर्चा में हैं। प्रेम सिंह बिहार के गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये बेफिक्र होकर पटना की सड़कों पर अपनी सोने की बुलेट से घूमते हैं। प्रेम सिंह का सपना है कि वे देश के पहले गोल्ड मैन बने। ANI से बातचीत के दौरान प्रेम सिंह ने बताया कि वे 5 किलो 400 ग्राम गोल्ड पहन कर चलते हैं, जबकि उनके बुलेट में 150 से 200 ग्राम सोना लगा है। वहीं इतना गोल्ड पहनकर घूमने में डर नहीं लगने के सवाल पर प्रेम सिंह ने कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन का राज है, इसलिए डर नहीं लगता है।
बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जारी। किशनगंज में एक और पुल का पिलर जमीन में धंसा। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 15 दिनों के अंदर ही राज्य के कई हिस्सों से एक के बाद एक पुल गिरने की खबर सामने आई है, तो वहीं कुछ ऐसे पुल हैं जिनका पिलर धस चुका है और वो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। 2011 में किशनगंज में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना पुल 26 जून को धस गया था, तो वहीं रविवार को किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के पथरिया पंचायत स्थित खोसी दांगी गाँव में बूंद नदी पर बना पुल करीब 1 फीट तक धस गया है। इस पुल को सांसद कोष से 2007-08 में तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बनाया था। स्थानीय लोगों द्वारा सरकार और प्रशासन से पुल की मरम्मत कराने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये पुल 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है और अगर ये पुल टूट जाता है तो करीब 50 से 60 हजार की आबादी प्रभावित होगी। 21 महीने बाद अयोध्या में अपनी पगड़ी उतारेंगे सम्राट, पुराने अवतार में आएंगे नजर। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अयोध्या जाकर अपना सियासी संकल्प तोड़ने वाले हैं। मंगलवार 2 जुलाई को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रभु श्री राम की प्रतिमा के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। वहीं दर्शन के बाद वो अपना मुंडन भी करवाने वाले हैं। करीब 21 महीने बाद सम्राट चौधरी अब अपने सर से पगड़ी हटाने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ कुछ अन्य मंत्री और नेता भी उनके साथ अयोध्या जाएंगे। सड़क मार्ग से उनका काफिला यूपी जाएगा। विराट, रोहित और जडेजा के संन्यास के बाद टीम में कौन भरेगा इनकी जगह? भारतीय टीम के T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद एक तरफ जहां देश जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस को एक के बाद एक लगातार झटके भी लग रहे हैं। सबसे पहले विराट कोहली के T20 से संन्यास का ऐलान करने के बाद फैंस अभी इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि रोहित शर्मा ने भी T20 से संन्यास का ऐलान कर दिया, और फिर बीते दिन भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी T20 करियर से संन्यास ले लिया है। वहीं अब इन तीनों महान खिलाड़ी के एक साथ संन्यास की घोषणा करने के बाद एक तरफ जहां फैंस सदमे में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा भी तेज हो गई है कि टीम में इन तीनों खिलाड़ियों की जगह को कौन भरेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सादुल्लाह पालवी, रंजीत मिश्रा, नुनू गोपाल कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, रवि कुमार राम, राकेश मिश्रा, मोहम्मद असगर कमाल, कुमार धीरज, नीतीश कुमार, अनामिका मिश्रा, अनसुप्रिया, रूपेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, धीरज करदार, नौसाद रजा, छोटू राजा, बाबुल मरांडी, प्रमिला कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विराट, रोहित और जडेजा के T20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद इनकी जगह टीम में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिलनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।